ओल्डी नेशन आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ओके अधिकतर जो देश है यहां पर ट्वेंटी टू जो कंट्रीज है सारे के सारे जो है वेल्दी कंट्रीज है एंड देर ऑल्सो कोल्ड एज ग्लोबल नॉर्थ ओके यहां पर लिखा हुआ नहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा ग्लोबल नॉर्थ ठीक है तो गई पेरिस क्लब को जो है ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है इट्स अ ग्रुप ऑफ 22 कंट्रीज विच आर वेरी रिच ओके तो ईस क्यों बनाया गया है ये ग्रुप और अभी ये रिसेंटली श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में क्यों उभर के आया है सो so ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर बेसिकली दैट इज वायर मोटिव ओके सो एस इट इज बेसिकली अ इनफॉर्मल ग्रुप मतलब कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है ओके okay. इसमें जो इन 22 कंट्रीज के जो भी गवर्नमेंट में जो भी काम कर रहे हैं मिनिस्टर्स या जो भी ब्यूरोक्रेट्स वो सब इस ग्रुप के पार्ट होते हैं और ये गाइस किसी भी कंट्री जो कि डेट रिडन है जो कि श्रीलंका हम सब तो जानते हैं कि श्रीलंका हैज डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट्स ओके विच ड्यू ऑन इट तो कोई भी ऐसा कंट्री है जो अपना उधार जो है चुका नहीं पा रहा है तो गाइस ये 22 देश फिर जो है उसके लिए डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए उसका उसके लिए थोड़ा रियायत दी जाए या उसको जो है कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करी जाए या हाउ टू यू नो दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दैट डिफॉल्टर और द बैंक्रप्ट कंट्री तो बचो यहाँ पर पेरिस क्लब जो है मदद के लिए आया है श्रीलंका की एग्जैक्टली exactly क्या बोला है उस पर अपन आएंगे पर पहले हम एक बार पेरिस क्लब को समझ लेते हैं तो काम आपको समझ में आ गया बेसिकली ठीक है तो अदर क्रिएटर नेशन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट ठीक है तो इन 22 देशों के अलावा बच्चों का कोई दूसरा ऐसा कंट्री है जिसने किसी तीसरे कंट्री को जो है उधार दिया है तो वो भी इसमें आ सकता है ओके लाइक अ कंट्री इंडिया ने जैसे यू नो लोन दिया है श्रीलंका को बहुत सारा तो इंडिया अभी पैरिस क्लब में टेम्परेली जा सकता है लेकिन बचो हम इसके मेंबर नहीं हैं तो आप ये याद रखिएगा मैं आपको दिखाऊँगा भी विच ऑल कंट्रीज आर द मेम्बर सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सो रिमेंबर दिस थिंग इट कैन बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन ठीक है आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक इससे भी श्रीलंका ने बहुत सारा लोन लिया है ठीक है ये इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक के जो भी चेयरमैन है या जो भी हेड है वो इसमें पार्ट लेते हैं इनकी मीटिंग्स के अंदर एंड टुगेदर दे डिसाइडेड दे डिसाइड कि भाई क्या जो है आपके यू नो डेट जो डेट में जो कंट्री है उसके साथ अब क्या किया जाए ठीक है तो फ्रांस के अंदर यही सी इसकी मीटिंग होती है और वहाँ पर जो है पैरिस के अंदर ये डिसाइड करते हैं बेसिकली मिलकर सारे के सारे वेल्थी कंट्रीज के वॉट शुड बी दिए डेबिटर कंट्रीज का क्या फ्यूचर होगा ओके डेबिटर कंट्री जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर

फोर्टी थ्री गए, इट्स अ और फाइव और थ्री बिलियन डॉलर का जो है, या जो है किया है फ्लैग्स एंड नेम आर देयर तो जो रशिया है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम देख सकते हैं चाइना नहीं है ओके चाइना इज बिग यू नो लोन गिवर टू द श्रीलंका बट चाइना इज नॉट हेयर आपको पता होना चाहिए ओके क्या वगैरह वो तो होंगे ही रशिया है ठीक है रशिया का आप थोड़ा ध्यान रखिए जापान है जापान यूरोप में नहीं है फिर भी है जापान वहाँ पे तो ये थोड़े तो बेसिकली यही इसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और आपका यूएसए वगैरह वो लोग ना आपके वाले हैं ऑस्ट्रेलिया है अलग है थोड़ा ध्यान रख लीजिए ब्राज़ील है इसमें ठीक है इस थोड़ा अलग है यहाँ पर कैनेडा नॉर्थ आ गया पूरा नॉर्थ अमेरिका में फिर भी याद रख सकते हो कैनेडा है मैक्सिको नहीं है ठीक है तो आप याद रख सकते हो इस तरह से इसरेल अलग से आया है तो इसल आप याद रख सकते हो सो दीज आर द कंट्री एक्सेप्शन साउथ कोरिया अलग से आप याद रख सकते हो ठीक है बाकी तो आपको याद रहेगा ही सो दिस इज द थिंग नाउ इज वॉट द पैरिस क्लब हैज सेड अबाउट द श्रीलंकन सिचुएशन इन्होंने क्या बोला है इन्होंने you know, ये बोला है कि श्रीलंका को के मैरिटोरियम लगा दिया गया इस खुद ही श्रीलंका अभी कुछ समय पहले श्रीलंका ने जो है खुद ही बोल दिया था हाथ खड़े कर दिया था कि मैं अपनी जो भी ड्यूज है मेरे पे वो मैं नहीं चुका पाऊंगा तो पैरिस पैरिस क्लब ने जो है दस साल के लिए फ्यूचर में मैरिटोरियम लगा दिया यानी कि रोक लगा दिया कि कोई भी पेमेंट की डिमांड श्रीलंका से नहीं की जाए अगले दस साल तक दस साल बहुत बड़ा समय है तब तक श्रीलंका की इकोनॉमी जो है चल पड़ेगी दोबारा और श्रीलंका तब जो है वो पैसा चुका देगा ठीक है पंद्रह साल दिए हैं गाइस डेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए पंद्रह साल जो है मिले हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फॉर्मूला तलाशने के लिए किस तरह से श्रीलंका विल बी पेइंग ओवर द ड्यूज विच आर पेंडिंग ऑन इट ओके सो पंद्रह साल मिले हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और दस साल तक रोक लगा दी गई दस साल तक श्रीलंका को अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी इन कंट्रीज में से तो एटलीस्ट जो है अपना पैसा नहीं मांगेगा और बेसिकली मांगने से को, 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 कोई कोई पॉइंट भी नहीं क्योंकि जो है श्रीलंका के पास पैसे है ही नहीं ऐसा श्रीलंका खुद ही कह चुका है कुछ समय पहले के इट हैज इट हैज बिकम अ डिफॉल्टर ओके सो दिस इज इट सो दिस इज अट इन्फॉर्मेशन आई होप अच्छी लगी हुई आपको ठीक है सो आज के लिए इतना ही अभी के लिए इतना ही सो वेरी वेरी गुड बाय जाने से पहले गई से डी यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ जाइएगा मेरे साथ में और आप लोग अपना आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो अभी शानदार ऑफर चल रहा है आपके लिए सोलह दिसंबर तक ये ऑफर है यू कैन पुट माई code सी डी यू पी एस सी एंड यू कैन गेट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट लेज रेयरली आता है ठीक है तो आप चालीस परसेंट डिस्काउंट ले सकते हो सिक्सटीन दिसंबर तक ठीक है इस कोड को लगा सकते हो आपके बैचेस चालू हो रहे हैं बाईस तारीख से इनको ज्वाइन कर सकते हो ऑप्शनल के बैचेस चालू हो रहे हैं कई सारे इनको आप ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में ठीक है सी डी यू पी एस सी कोर्ट के कुछ खास फायदे हैं आपको पता ही है यू विल बी इन माई टीम यू विल बी अंडर माई गाइडेंस लाइफ टाइम एंटरिंग गाइडेंस आपको मेरे से अशोर्ड टेलीफोनिक मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी हमेशा आप जुड़े रहोगे मेरे पोस्टल नंबर से डायरेक्टली मेरे से ठीक है ये सिर्फ इसी कोड के साथ है तो यूज द बेस्ट कोड एंड डिस्काउंट तो आपको हर कोड से मिलता है एक्स्ट्रा वैल्यूडिशन मटेरियल भी मैं आपको दूंगा सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग ओके आपको टीम में रखा जाएगा पचास पचास के स्लॉट्स में रखा जाएगा ओके सो आई थिंक यू विल इंजॉय द होल लर्निंग एक्सपीरियंस एक बार बचो सब्सक्रिप्शन देने के बाद कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा आई होप कि आपको कोई भी इशू नहीं होगा और वन पॉइंट सोल्यूशन है सब कुछ इंक्लूडे है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्शनल भी आ गया सी सैट से लेके प्रलम से लेके इंटरव्यू तक कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है मेहनत के अलावा ठीक है दो साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो या डेढ़ साल का ले सकते हो पुट माई कोड ओके सो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा उसको शेयर करिएगा चैनल को जो है सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा ऑल राइट सो गुड बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट Let's crack it.